तो हमारे इस छोटे से वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से भी आप लोग को बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये मेथी लिया है। आज मैं बनाऊँगी आलू मेथी। मैंने इसमें थोड़े से मटर डाले हैं, आलू मैंने उबाल के रख लिया है, और आज बनाऊँगी आलू मेथी की सब्ज़ी, और इसको खाएँगे चपाती के साथ में। तो आशु के पापा डेयरी गए थे, डेयरी से आ गए हैं दूध लेकर। तो मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ गाइस। और देखिए, ब्रेड आज लेकर आए हैं खाने के लिए। और आज आशु को चिप्स नहीं दिलवाई क्योंकि आज लेकर आए इसके लिए चॉकलेट और बिस्किट। तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे आशु के पापा के लिए एक कप कॉफ़ी बना दूँगी सेपरेट से, और इसमें पूरा दूध गर्म करूँगी मैं। तो खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग बने रही मेरी वीडियो पर। तो गाइस, मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए, और तेल भी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ जीरा। तो देखिए, मैंने जीरा डाल दिया, और इसमें थोड़े से डाल देंगे कटे हुए लहसुन, और ये थोड़ी सी सूखी मिर्ची। जो मैंने प्याज काट के रखा था वो डाल देती हूँ। आप हल्के से थोड़े से फ्राई होने दीजिए बस। तो मैं अब डाल रही हूँ टमाटर, और टमाटर डालने के साथ ही डाल रही हूँ नमक। तो मैंने नमक डाल दिया। आपको जितना आप जितना खाते हैं स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। इसमें ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल के रखा था, उसको अब मैं छील के रख लेती हूँ। तो देखिए, टमाटर पक रहा है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी, और अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो आप जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन भुना हुआ जीरा पाउडर, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें नींबू का रस थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि मेथी का कड़वाहट थोड़ा इसमें चला जाएगा नींबू का रस डालने से। तो मैंने हल्दी डाल दिया है। अब इसमें मैंने जो मेथी धो के रखा था वो मेथी डाल देंगे। अब इसको पकने दीजिए। उसके बाद में जो लास्ट बॉयल आलू है ना, उबले हुए आलू, वो आलू मिक्स कर दीजिए। और आप इसमें चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हैं पकने के बाद। मैं आलू को काट ले रही हूँ। देखिए, ऐसे आप ऐसे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। आलू मेथी सच में बहुत टेस्टी बनता है, आप बनाइए। तो देखिए, मेरा मेथी बहुत अच्छे से पक रहा है। अब इसमें डाल देंगे आलू, और मेथी और आलू बहुत अच्छा लगता है, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं आलू और थोड़े से मटर थे उसको डाल देती हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू उबले हुए हैं तो थोड़ा सा तो इसमें चिपक जाएंगे, थोड़ा चिपकता है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है आलू मेथी। तो देखिए, आलू मेथी कितना अच्छा लग रहा है, और ये रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़े से डाल देंगे चाट मसाला। अगर आपके पास नींबू का रस है तो आप आधा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी होता है गाइस। आप इसको चपाती के साथ खाएंगे, और हम भी खाएंगे चपाती के साथ। तो मैं यहाँ ऊपर से डाल दे रही हूँ चाट मसाला। तो देखिए गाइस, आशु के पापा अभी आटा गूंद रहे हैं, और आज मैं चपाती बनाऊंगी, इसीलिए वो मेरा हेल्प कर रहे हैं। और आशु वहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। आशु, क्या कर रहे हो? और बस थोड़ा सा, बस 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 बस। आशु जी, कचरा गाड़ी आया, नहीं जाओगे डालने? वो अपना बिजी है, ट्रैक्टर के साथ खेल रहा है। कितना डालूं? हाँ, डाल दीजिए आपका मर्जी जितना। और यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो गया है, ब्रेड खाएंगे। हाँ, थोड़ा सा डालिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। हाँ,
आटा गूंद रहे हैं हम लोग। सो गाइस आप लोग भी लीजिए ब्रेड, ब्रेड मतलब कि बन है। और आशू के पापा तो कॉफ़ी पी लिए हैं तो मैं दूध के साथ ब्रेड खा रही हूँ और आशू को भी खिला देते हैं। आशू आइए, देखिए आशू ट्रैक्टर को खिला रहा है ब्रेड और नीचे गिरा दिया। नहीं खाते अब, गंदा हो गया है, नहीं खाते, आइए नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं 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 बदमाशी नहीं करो, क्या कर रहे हो बोलो, आटा आटा नहीं खाते। कितना गंदा लड़का है, देखिए आटा खा लिया, लो इसको खा लो, इसको खा लीजिए। आटा हम लोग का रेडी है, अब चलिए बनाते हैं चपाती। तो गाइस मैं रोटी बना रही हूँ, चपाती इधर देखिए तवे पे रख दिया है बनाने के लिए। इसको पतला बेलना पड़ता है, ये चपाती है, फुलका रहेगा तो थोड़ा मोटा बेलिए आप लोग, ये चपाती इसको बहुत पतला बेलना पड़ता है। ये मार रहे हैं। तो गाइस ये है साउथ इंडियन कर्ड राइस, बगल में एक दीदी रहती है कनाडा वाली, उसने आशू को दिया है खाने के लिए। मैं भी किसी दिन इसका रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आशू को खिला रहे हैं कर्ड राइस मतलब कि दही वाला भात, बहुत टेस्टी है, सच में मैंने भी टेस्ट किया है। और हम लोग का खाना बन चुका है, इधर देख लीजिए, अब हम लोग थोड़े देर में खाएंगे। मैंने बनाया आज चपाती और आलू मेथी सब्जी, और ये इसमें है गाजर बीन्स और कुछ ज़्यादा सब्जियां हैं। ये भी सांभर है, साउथ इंडियन सांभर बनाई हूँ मैं, और इधर रहा सैलेड और ये राइस बस। तो चलिए गाइस आप लोग भी इंजॉय कीजिए, अब हम लोग खाते हैं खाना। देखिए मेरे आशू कितने मज़े से खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है सच में, तो बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी भी होता है ये, आपके पेट में गर्मी नहीं होने देता है कर्ड राइस है, देखिए बहुत टेस्टी होता है सच में। मच्छर नहीं है जी, चींटी है वो। हाँ देखिए मेरा आशू खाना खा रहा है। तो गाइस मेरा आशू भी आज नहा लिया है सुबह सुबह, और मैं तो नहा धो कर ही खाना बनाती हूँ सुबह। और हम लोग का पूजा वूजा सब हो गया है, अब खाना भी बन गया है, खाएंगे। अच्छा है आशू, कैसा है बता दीजिए। तो देखिए उधर फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं आशू के, बोलिए कि कैसा है, बोलिए। तो आप क्या बोलते हो, आशू क्या बोलता है पता है आप लोग को, गुड गाइस बोलता है, मतलब कि बोलना चाहता है गुड मॉर्निंग गाइस, देखिए गुड मॉर्निंग गाइस बोलना चाहता है आप लोग को, लेकिन इसको आता नहीं है तो इसीलिए बोलता है गुड गाइस, बोल दीजिए। तो उधर बोलिए, आप लोग भी खाइए, बोलिए गुड गाइस, बोल दीजिए, बोलिए ना गुड गाइस, बोलिए ना, बोलिए ना गुड गाइस। देखिए कितना मजे से दही वाला भात खा रहा है, टेस्टी है ना आशू, बहुत यम्मी है, कैसा है, यम्मी है, टेस्टी है, बोलिए ना। देखिए वहाँ पे सप्पो सप्पो बोल रहा है, यहाँ पे साग आता है ना भाजी, उसको सप्पो बोलते हैं, मेथी आया है और क्या बोल रहे हैं, देखो कोतम्बीर सप्पो बोल रहा है, जाइए लेने जाइए कोतम्बीर पालक सब्पो। आशू सब्जी वाला चलिए चलिए अब खाना खाएंगे, चलिए। तो गाइस हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं, पहले सैलेड खा रहे हैं क्योंकि पहले सैलेड खाना चाहिए। हम देखिए आशू भी खा रहा है, खा लो खाऊंगा। हमने बाइट, अच्छा आशू आपको भी चाहिए चपाती, चाहिए चपाती और आलू मेथी चाहिए, बोलो कर्ड राइस में बिजी है अपना। देखिए अरे 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 वाह, मेरे आशू को खाना आ गया, सुपर सुपर डांस कर रहे हैं आशू, देखिए बहुत टेस्टी है गाइस, आप लोग भी ट्राई कीजिए एक बार, आलू मेथी और ये सांभर
इसमें बहुत सारा सब्जी मिक्स किया है मैंने, और इसको थोड़ा सा पानी आप कम डालिए, मतलब ज़्यादा पानी डालिए, मेरा हाथ तो गाढ़ा हो गया ज़्यादा है सांभर। तो गाइस आज का ये हमारा छोटा सा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो आप लोग को तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।